समझ रहे हो। तो हम तो इन्हें कहेंगे भाई अपना फुकरा भाई लगा रहा है अंदर, अपनी फाड़ कर रखे इन सबकी, दबाए ना किसी तरह। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबके, क्या हाल है सबके। बॉम्बे से आगे शेड्यूल ऐसा हो गया कुछ कि शाम को उठ रहे हैं, पूरा दिन सो रहा हूँ, नींद पूरी कर रहा हूँ कंप्लीट। कहाँ जाएं बताओ, कहाँ जाएं, अपना घर में पड़े रहेंगे, कम से कम सो तो रहे हैं, बाहर तो ना आंट रहे किसी के पास। आगे बात समझ में गाइस, अब काम है आप लोगों को व्लॉग भी देने, तो अभी मैं निकल रहा हूँ नहा धो के बाहर, देखते हैं क्या सीन बैठता है, क्या है अपने अपनी पंटर लॉबी कहाँ है। ठीक है गाइस, और बिट खानी है तो खा लो, एयरपोर्ट से लाया था। ठीक है, मिलता हूँ नहा धो के थोड़ी देर में, सब चीज़ें चार्जिंग पे लगा देता हूँ पहले तो। भाई अपना दूध दाँत पी के, मम्मी ठीक है निकल रहा हूँ, अपना कर लो तुम, ये सब बेकार की बातें, मेरे तो पल्ले पड़ती नहीं है सब चीज़ें। अरे मजाक होता है इस टाइम पे 7 बजे शाम को, सुबह सारे कर ले करो मजाक। हम तो कह रहे हैं शादी कर रहे लोकेश, आप कर लो, आप कर लो दूसरी शादी। अच्छा अच्छा, शादी कर ले भाई। नहीं नहीं, इसका आंसर नहीं है। मम्मी नु कह रही है कि तेरी भाभी तो सपोर्ट करेगी, इसका राज चल रहा, लड़ लो अब मेरे जाने के बाद, लड़ लेना थोड़ा सा। ठीक है, कुछ भी नहीं, मैं तो कल आऊंगा, आजाद परिंदा हूँ ना, इसलिए मेरे को नहीं करनी ना, आजाद परिंदा, आजाद परिंदा रहा ना जिंदगी भर, आजाद घूमे। शादी के बाद तो बीवी गएगी, कहाँ गए थे? अच्छा 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 अच्छा, कौन कह देगा, मारता है हमारे घर वालों के अलावा कोई ना कह सका। आगे बात समझ में, उसके भी पढ़ेंगे और कहने वालों के भी पढ़ेंगे। बंद कर लो मम्मा, बाय बाय, बंद कर लो। अरे देख के भाई साहब। हाँ जी गाइस, तो घर से निकल लिए, देखो रात हो गई, शीतला माता मंदिर आ गया, शीतला माता की जय। ठीक है भाई, और अभी जा रहा हूँ मैं सेक्टर 57 जेट भाई आ रखे प्रभजोत भाई अपने, और उनके पास जा रहे हैं। और आज मैं जब घर पे ही था तो मैं ना बिग बॉस ओटीटी वगैरह देख रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि रोज तो टाइम मिलता ही नहीं देखने का। तो जो ये बंदा आएगा अपना अविनाश करके है एक, है ना, है शायद उसमें, वो बंदा मेरे को थोड़ा चटक चटक लगता, चटक इन द सेंस कि उस बंदे की कोई रियल पर्सनालिटी, रियल इमेज है नहीं, वो किसी के कंधे पे हाथ रख के सपोर्ट लेके चलता है। फॉर एग्जांपल कहीं लड़ाई बज रही है भट्ट साहब की और किसी की भी बज रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो बीच में घुस जाएगा, किसी की भी साइड ले, दोनों की साइड ले लेगा, ऐसा है। ये सीन चल रहा है। बाकी फुकरा भाई कर रहे हैं बढ़िया, फुल सपोर्ट भाई को, कोई दिक्कत वाली बातचीत है ही ना, मस्त कर रहे हैं। बाकी एक चीज और है, उस पर मैंने डिटेल में बताऊंगा, पहले एक बार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये बड़ी मैं कहीं बोलूँ लंबी बात है थोड़ी सी, तो एक बार ही वहाँ पहुँच जाऊँ मैं, फिर वहाँ पहुँच के आपको एक चीज बताऊंगा जो तुमने भी नोटिस किया है नहीं की, पर मैंने तो की बिग बॉस में, मतलब इसके कल वाले परसों वाला एपिसोड था शायद, तो वो तुम देखना जाके तुम्हें खुद दिखेगी। ठीक है, अगर पहुँच जाए फिर मैं आपसे बताता हूँ क्या सीन है क्या नहीं। अब मैं डिफरेंस बताऊंगा आपका बॉम्बे में और गुड़गांव के ट्रैफिक में, इतना ट्रैफिक है बढ़िया, आप देखो रेड लाइट भी होगी, बढ़िया जाम भी लग जाएगा, पर यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस देखो हॉर्न कितने कम है, हॉर्न नहीं मार रहा कोई खामा खाम है वहां पे, तो अगर ऐसी लाइन खड़ी हुई है ना, ऐसा कुछ है तो इतना हॉर्न मार मार दिमाग ऐसा कर देंगे, ऐसा दिमाग कर देंगे कि तुम पूछो मन्ना, दिमाग खराब हो जाओ, देख लो है ना, पर हॉर्न नहीं मार रहे, हम जैसे पागल ही मार रहे हॉर्न, पर ये डिफरेंस यार बहुत मैटर करता है, क्योंकि जाम में फिर अगर कोई हॉर्न मार रहा भटावट भटावट, तो दिमाग खराब हुआ बहुत ज्यादा, और बॉम्बे में ये हो रहा था 100% की 100%। मैंने व्लॉग में कैसे हो ब्रो, मेरे को तो पहले गाड़ी में वो दिखा दो कि आपने क्या क्या काम करवाया, मैं देखना चाहता हूँ, मैं अपनी थार में भी लगवाना चाहता हूँ वो वाले ना। हाँ तूने, तुमने देखा नहीं अभी तक? मैंने तो देखा भाई, दिखाना है, मैं अपनी थार में लगवा लूंगा ये वाले फुटरेस्ट, मैंने देखा है थार में लग जाओ, ला भाई खोलना इसको, अच्छा दरवाजा खोलने पे खुलेगा, मेरे को पता ना था भाई, दरवाजा मस्त लग रहा। और भाई आगे आगे क्या करवाया हमने, ये करवाया हमने भाई, ये आगे इसमें एक मैट डलवाए हैं, ताले से बसता है, और एक वो भी तो लाइट लूटी, और ये वाली लाइट है क्या गैंगस्टर वाली, हां ये भाई, इसमें अपन ने अपनी ताली सेट करी हुई है, दो बारी ताली मारूंगा जलेगी, मारना और ये तो मैजिक है भाई, और बंद 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 कैसे होगी, दो बारी ताली करना और, लेकिन ऐसा तुम मारोगे तो नहीं होगी, करके देखो, दिखाओ मेरे को दो मोबाइल, भाई भाई पे बटन है नहीं, ये मेरे को पता लग गई भाई, कहाँ है चाबी, दिखा कहाँ है,
पीछे दे रखे निकालूं। नहीं नहीं भाई सिस्टम है, ये सिस्टम सही में, लेकिन रोशनी अच्छी है ना, चाबी मैं ही हूँ, चाबी ये ले दोबारा जलाया तो तुम्हारे कहने पे भाई मारो ताली मारना। अरे नहीं, नहीं चली भाई, थोड़ा लेट। अरे भाई उस पे चाबी है कि साड़े पे, अगर मेरे पे चाबी हुई ना इस पे होएगी। नहीं नहीं बताओ भाई, तुम हाथ दिखाना। ये रही ना, पकड़ लिया। रोशनी अच्छी है। हां अच्छी चाट ली भाई, जहर चूस ले। चले भाई शोरमा खान, चलो आओ जी शोरमा खान चलते हैं भाई। शोरमा शोरमा खा लिया अर्जित, पेट भर गा। अब अर्जित कह रहा है मैं वो करवा के लाऊंगा तेरी पार्टी में। कैसे लगे शोरमा? कौन है ये? सेम टू सेम है राहुल है भाई, पर ये ठीक है ना। एलवी शो के तुम आगे बात समझ में तुम्हें राहुल तोमर, राहुल तोमर किसका? कौन है एलिस भाई साला? हमें भाई तुमने कोई नशा कर रखा है ना? दिल बहुत बड़ा है मेरे। दिल छोटे छोटे को बड़ा चाहिए, दिल दिल बड़ा, बाकी पता नहीं हमें। हाँ जी, तो अपना शोरमा खा लिया, बाहर आंड लिया। देख क्रेन वाला कैसे मोड़ रहा। बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। अपना जो बिग बॉस ओटीटी चल रहा, पूरा शो, पूरा का पूरा शो साइरस और पूजा भट्ट के फेवर में चल रहा है, आप देख ही पा रहे होंगे। और ये एज ऑडियंस बता रहा हूँ मैं, देख के मैंने वीडियोस भी देखी है इनकी वूट पे कह रहा हूँ, जो जियो सिनेमा पे जो आते रहते हैं एपिसोड्स। और मैं पूरे तो नहीं देख रहा, इतना डाई हार्ड फैन नहीं हूँ बिग बॉस का, पर ऑब्वियसली अपने भाई और जा रखे हैं तो कदे कदे देख लें। बाकी यूट्यूब पर भी अपडेट्स आती रहती हैं। तो अभी इनका टास्क हुआ था वो स्मूथ स्मार्ट चलाने वाला, पता ना यार के टी आर पी के करण लाग रहे हैं, मैं समझ ना आ रहा है। एक वो क्या ही बोलूं, गलत बात तो मैं, पर वोट तो लग गई थी इनकी, वो कोई दिक्कत वाली बातचीत है ना। अपने बात कर लेते हैं, जहां तक मेरे को लग रहा मतलब एज ऑडियंस भी बता रहा हूँ, ऐसा वो भी, तो इन सबकी ना फटी पड़ी है कि इन्हें भी पता है एट द एंड ऑफ द डे कि एक यूट्यूबर से ये लोग नहीं जीत सकते वोटिंग में। तो खासकर अगर ये शो स्क्रिप्टेड होता है तो एंड में अगर फुकरा के अलावा और कोई विनर हुआ तो मतलब ये मान लेना स्क्रिप्टेड है, क्योंकि भाई एंगेजमेंट वाइज भी और ऑडियंस वाइज भी कौन पूछता है इन लोगों को, मेरे को नहीं समझ आती। बेशक फिल्म के ये फन्ने खा हो रहे होंगे, मतलब इंडस्ट्री के फन्ने खा होंगे, पर इनकी वो वाली ऑडियंस नहीं है जो कहने पर इनको वोट कर देगी। इनकी ऑडियंस ही है इनके भाई ना है, हमारे भाई यार हैं, ठीक है समझ रहे हो। तो हम तो इन्हों कहेंगे भाई अपना फुकरा भाई लगा रहा है अंदर, अपनी फाड़ कर रखे इन सबकी, दबाए ना किसी तरह, जो कि अब तो बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली, बीच में थोड़े ठंडे से भड़के थे, पर फुल सपोर्ट है भाई अपने भाई को। और वो अविनाश अविनाश सर चेल ले जैसे उसे, ये तो साले पागल है अविनाश सर, तो साड़ी बज रही है, कोल्ड कॉफी पी के फेंकी ना मैंने बाहर, मैं फेंकता नहीं ना रोड पे, तुम भी मत फेंके करो गाइस कूड़ा। कोई ना, अभी एक बार आयुष के पास जा रहा हूँ और फिर ब्लॉग को एंड करेंगे, दो तीन टिप्पणी उससे भी पूछूंगा मगर तुझे क्या फील हो रहा, क्योंकि भाई मेरे कल कमेंट आ रहा था कि भाई बोल नहीं रहे आप फुकरा भाई के बारे में कुछ। अरे भाई कैसे बोलूं और कैसे बोलते हैं, फुल सपोर्ट है भाई को यार, कोई दिक्कत वाली बातचीत ना है, हम ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा, समझ रहे हो, उसकी टेंशन मत लिया करो। अभी 29 जा रहा हूं, जो भी काम वाम होएगा मैं आपको बता दूंगा आगे का सिस्टम। ओके गाइस चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। एक बात और था, मेरे पास क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन तो गए, मैं कमेंट वमेंट पढ़ते रहते हैं। छोरा कह रहा कमेंट, शिवम कपूर नाम से कमेंट आया कि भाई ये मेरे से कोई छोरी सेट करवा दो। भाई को एक ही चीज बताऊंगा भाई, कुछ नहीं जरा छोरो छारियों में, एट द एंड ऑफ द डे आपको मिलना दुख, आप रहोगे परेशान, आपका जी नहीं लगेगा, क्योंकि एट द मतलब समझ रहे हो ना, अपने घर वालों से अच्छी तुम्हारे लिए कोई छोरी चूज कर नहीं सकता, तो भाई प्यार वाले के चक्कर से दूर रहो। एक दिन ऐसा कटेगा दिमाग खराब हो जाएगा, समझ रहे हो। अपने यार दोस्तों क्या लांडो, मौज काटो, ट्रैवल करो, खाओ पियो, मौज लो, पैसा पैसा कमाओ, मेन चीज तो पैसा ही है। छोरी छाती के चक्कर में ना किसी का आज तक भला हुआ है ना होएगा, वो बात अलग है। यार दोस्तों में बैठ लिए, एक दो छोरी छारी दोस्त रखो नो डाउट, पर दिल मत लगाओ किसी से, ये मेरी पर्सनल वो है एडवाइस आप लोगों, समझ रहे हो कि भाई जो घर वाले छोरी लाएंगे ना तुम्हारे ताई, उससे अच्छी चीज कोई हो ही ना सकती, वो सब कुछ देख दाख के लाएंगे, घर वाले कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, आगे बात समझ में।
कभी नहीं। यू गाइस गुड मॉर्निंग, व्लॉग को कर देंगे यहीं पर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं जी, लव यू, टाटा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बाय बाय।